सो ही हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी की। आई होप आप सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी एंड आगे भी बढ़िया रहने वाले हो। स्वागत है सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे वेपन ग्लोरी वाले बैच के बारे में, जो कि बिग टाइम पर हर प्लेयर को चाहिए रहता है। भाई मुंह की बात छील ली। लेकिन आई नो गाइस, आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो कि बहुत गेम खेलते हो लेकिन फिर भी आप में से किसी को ये वाला बैच नहीं मिला होगा, क्योंकि यार यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई रहता है वेपन ग्लोरी के अंदर। यहाँ पर पॉइंट्स कमाने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये समस्या है। और ये जो बैच है गाइस, सिर्फ टॉप 100 प्लेयर्स को ही मिलता है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा स्कोर आप लोगों को करनी पड़ती है। मोस्टली जो अच्छी गन्स होती है या फिर बेकार से बेकार गन्स भी होती है, उसके अंदर भी यार काफी ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। एंड खास तौर पे जो हमारा जो कंट्री वाला होता है और गाइस हमारा जो स्टेट वाला होता है, इन दोनों बैचेस में तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अब गाइस आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और बैच आ चुका है जिसका नाम है सब डिवीजन बैच। एंड ये जो सब डिवीजन वाला बैच है, इसको आप में से लिटरली हर प्लेयर बड़ी ही आसानी से ले सकता है। एंड ये जो बैच है आप लोगों को एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मिलने वाले हैं, अलग अलग गन्स के मिलने वाले हैं। मैं नहीं मानता। सो गाइस, ये बैच आप लोगों को कैसे मिलेगा एकदम डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए वीडियो पूरी देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। यहाँ पर तीन तरह के वेपन ग्लोरी बैच होते हैं। सबसे पहला हमारा रीजनल का, जो कि हमारे देश का होता है, सभी को पता है। हाँ। और दूसरा होता है गाइस हमारी स्टेट का, यानी कि जिस शहर में हम लोग रहते हैं उस शहर का। और तीसरा जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है हमारा सब डिवीजन बैच, जो कि इस अपडेट के बाद ही आया है। और ये जो बैच है तुम्हारी जगह का है कि लाइक तुम लोग जिस शहर में जिस जगह पे रहते हो उस जगह का तुम लोग बैच ले सकते हो। मान लो जैसे कि तुम लोग हरियाणा में रहते हो तो तुम लोग रोहतक का बैच ले सकते हो, अगर तुम पंजाब में रहते हो तो लुधियाना का ले सकते हो, ऐसे तुम लोग बिहार में रहते हो तो पटना का ले सकते हो। समझ में आ रहा है? सो आई थिंक आप लोग समझ गए होगी कि क्या है हमारा सब डिवीजन बैच। एंड अभी बात करें इसको आप लोग ले कैसे सकते हो, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस अपने वेपन ग्लोरी वाले यहाँ पर सेक्शन पे आना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को ये लोकेशन वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सब डिवीजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे तुम लोगों को जगह सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पे तुम लोग रहते हो, जिस शहर के अंदर जिस जगह पे रहते हो। अब जैसे मेरा दिल्ली है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैं दिल्ली में कौन सी जगह पे रहती हूँ, कि लाइक मतलब कौन सी दिल्ली है मेरी, ईस्ट वेस्ट साउथ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप लोग वही सिलेक्ट करना जो आप लोगों की जगह हो अगर आपको पता हो तो। एंड बाकी यहाँ पर करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। एंड ऊपर गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे को लिख कर भी आ चुका है कि मेरी जो लोकेशन है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। एंड यहाँ पर बट आप लोग नोटिस करोगे कि अभी तक मेरे को जो वेपन ग्लोरी का जो चार्ट है, लीडर बोर्ड है, वो शो नहीं कर रहा है। भाई मुंह की बात छील ली। सो गाइस, इसका जो लीडर बोर्ड होगा आप लोगों को नेक्स्ट मंडे को शो करने वाला है, बिकॉज हर मंडे को इसका जो मतलब बैच वगैरह है वो मिलता है। तो इसलिए अगले मंडे को आप लोगों को लाइक इस तरह से इसका जो मतलब अलग से लीडर बोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बैकग्राउंड में ये किसी और की रिकॉर्डिंग है। तो इस तरह से आप लोगों को अगले मंडे को देखने को मिलेगा। एंड अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को कोई भी एक गन लेकर खेलना है एंड उससे आप लोगों को कम से कम 1500 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, बिकॉज 1500 पॉइंट्स कम से कम होना ही चाहिए तभी आप लोगों का जो नेम है वो वेपन ग्लोरी में आने वाला है। ठीक है, समझ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 1500 पॉइंट करके बैठ जाओ, एंड उसके ऊपर भी तुम लोगों को करने पड़ेंगे, क्योंकि यार यहाँ पर 1500 पॉइंट तो सिर्फ मिनिमम है कि 1500 चाहिए ही चाहिए तुम्हें, तभी तुम्हारा नेम इसमें आने वाला है। एंड इसके अलावा देखो तुम लोगों को ऐसी गन सेलेक्ट करनी है जो कि सबसे कम प्लेयर यूज करते हो, बिकॉज उसी में तुम्हें सबसे कम कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। तो अपने हिसाब से देख लेना, तुम लोग यहाँ पर जाकर तुम लोग चेक कर सकते हो कि किस गन में सबसे कम कॉम्पिटिशन है, तो वही वाली गन तुम लोग सिलेक्ट करना, तो तुम्हें जरूर से बैच मिल जाएगा। इतनी खुशी। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी जो हैंड कैनन वाली गन है, इसका तो यार पूरा लीडर बोर्ड खाली पड़ा है, एक भी बंदा इस गन को यूज नहीं करता, इसकी तो यार कोई इज्जत ही नहीं है। अगर तुम लोगों को बहुत जल्दी चाहिए बिना ज्यादा मेहनत किए, तो इसी तरह की गन्स को लेकर ज्यादा खेलना। और इसके अलावा एक और जरूरी बात कि तुम लोगों को यार ये जो बैच मिलेंगे, अगर तुम्हारे पास तीनों ये बैच होते हैं तो तुम लोग कोई एक ही बैच अपने प्रोफाइल पे शो कर पाओगे। लाइक अगर मान लो तुम्हारे पास रीजन का भी है, तुम्हारे पास स्टेट का भी है और सब डिविजन का भी है, तो तुम तीनों में से कोई एक ही अपने प्रोफाइल पे शो कर सकते हो, तीनों एक साथ शो नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा देखो जरूरी नहीं है तुम्हें सिर्फ एक ही गन का बैच मिलेगा, तुम लोग यहाँ पर जितनी गन्स ज्यादा यूज करोगे उन सब का तुम लोग ले सकते हो। अगर तुम लोग अच्छा स्कोर करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो एक बंदे को तीन तीन गन्स के बैच मिल रखे हैं। सो गाइस आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना ज्यादा स्कोर कर पाते हो कितनी गन्स के अंदर, तो आप लोग उतने ही बैचेस यहाँ पे निकाल सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई बैच है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास कौन सा बैच है, कौन सी जगह का, कौन से शहर का और कौन सी गन का आपके पास बैच है। ओके ओके। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन है पैर पर हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।